हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज है 7 सितंबर, मार्केट क्लोज हो चुका है फ्रेंड्स। वोडाफोन आइडिया में एक शानदार तेज़ी के साथ आज मार्केट क्लोजिंग दिया। इसके पीछे की कारण क्या है, कौन सा इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ था तो एक दिन में इस शेयर में आ गया 15% तक की तेज़ी। तो क्या भारत सरकार इनका वोडाफोन शेयर को लेने वाले है, क्या हो जाएगी ख़त्म सब कुछ परेशानी वोडाफोन आइडिया के ऊपर? ये सब क्वेश्चन जो है, सब जो कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर होल्डर के ऊपर घेरा हुआ है। क्या वोडाफोन आइडिया इधर से फिर भागना चालू करेगा, जो कि 13 रुपये का जो हाई था, 52 हाई, वो क्या टच कर सकता है? यही सब ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि क्या हो सकता है वोडाफोन आइडिया में आगे के लिए, एंड कल के लिए क्या होगा। चलिए फ्रेंड, मैं हूँ शरद, आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड बेल वाला घंटी आइकन को ऑन रखिए, जैसे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में इंफॉर्मेटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि आगे आपको नहीं करना चाहिए। क्यों, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज का दिन का जो वोडाफोन आइडिया का कारोबार था। तो आपका सामने फ्रेंड्स क्लोजिंग जो दिया है वोडाफोन आइडिया, जो कि 7, ये एक मिनट फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आज का डेट 7 सितंबर, क्लोजिंग है 8.30, एंड परसेंटेज देखेंगे तो 14.48, मीन्स आप बोल के चल सकते हो 15% का आसपास का तेजी है। तो हाई, लो एंड प्रीवियस हाई का आपका सामने है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे आज का दिन का क्या, कितना क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में गया है। थोड़ा मैं जूम करना चाहूँगा जिससे कि आप लोग को क्लियर कट दिखाई दिए फ्रेंड्स। देखिए कितना क्वान्टिटी आज ट्रेडिंग हुआ, आप ही काउंट कीजिए। आरोप करब में ट्रेडिंग हुआ आज, एंड क्लोजिंग जो सॉरी डिलीवरी बेसिस में जो गया परसेंटेज 28-29% का डिलीवरी गया। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था 52 वीक हाई, जो कि 13.80, जो कि 15 जनवरी 2021 को लगाया था। क्या ये फिर इसको चेस करने के लिए फिर आ सकता है ये हाई को वोडाफोन आइडिया? चलिए यही बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलूँगा फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया अगर आपका पास है और निचले स्तर में है, नहीं तो करेंट भाव में भी है, नहीं तो 7.85-4.5 तक जो आया था उसी टाइम पे है, तो आपको क्या करना है ना, होल्ड ही करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, होल्ड करना है। पीठ पीछे का जो रीजन, जो बिग न्यूज आया है, वो आपका सामने में थोड़ा रखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट, देखिए फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट है और ये VI है, ओके। तो गवर्नमेंट और VI के अंदर चल रहा है डिस्कशन, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी जी ने और कुमार मंगलम बिरला ने दोनों से चल रहा है डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन चल रहा है ना, डिस्कशन यही चल रहा है फ्रेंड्स, जो 10,000 करोड़ का जो आप ये जो है इतना क्वांटिटी आप हमारा शेयर में ले लीजिए, इक्विटी शेयर में, नहीं तो इसमें आप निवेश कीजिए, कुछ भी कीजिए। 10,000 करोड़ का आप हमारा वोडाफोन आइडिया का शेयर को आपका इक्विटी क्वांटिटी बेसिस में आप ले लीजिए, जैसे कि हमारा जो कि ये वैल्यू जैसे गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो बाहर का इन्वेस्टर जो कि FII इसका ऊपर फिर इंटरेस्ट देंगे बाइंग करने के लिए। सेकंड, जो कि लाइसेंस फी का ऊपर को लेकर चर्चा हो रहा है, जो कि ये अगर लाइसेंस फी में कुछ हो रहा है तो पर ईयर बेसिस में इनको कितनों ना वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है 3,000 करोड़ का प्रॉफिट फ्रेंड्स, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि कुमार मंगलम बिरला ने ये भी वो टॉपिक उठा रहे हैं जो कि अश्विनी जी के साथ में। तो और साथ ही साथ और क्या बोल रहे हैं कुमार मंगलम बिरला ना, इंटरेस्ट रेट को भी कम कीजिए। कौन सा इंटरेस्ट रेट ना, AGR का जो इंटरेस्ट रेट जो है AGR का, ओके, इसका जो इंटरेस्ट रेट इनका ऊपर जो वोडाफोन आइडिया का ऊपर है उसको आप कुछ कम कीजिए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का क्या होगा ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एंड
ये इम्प्रूवमेंट होगा तो उस शेयर में भी बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। ये तीन मैटर को लेकर डिस्कशन हो रहा है एंड सरकार ने भी चाह रहे हैं वोडाफोन आइडिया को इधर जीवंत रखने के लिए इंडिया में। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया अगर डूबता है, वोडाफोन आइडिया अगर डूबता है कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगा अपना इंडिया में। आपको मालूम होगा 29,000 अबव जो कि एम्प्लॉई वोडाफोन आइडिया में काम कर रहे हैं, उतना वैकेंसी फिर बढ़ जाएगा इंडिया में। वोडाफोन आइडिया अगर जाता है तो इंडिया में, बट सरकार नहीं जाने देंगे वोडाफोन इंडिया को। मैं आज भी आप लोग को बोल रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा फ्रेंड, सरकार वोडाफोन आइडिया का अंदर ऐसे ही चलेगा मामला। कभी सरकार ऊपर, कभी वोडाफोन आइडिया नीचे, कभी सरकार ऊपर, कभी वोडाफोन आइडिया नीचे, ऐसे ही करके ये सेक्टर, ये वोडाफोन आइडिया इंडिया को छोड़ ही नहीं पाएगा। और ना सरकार चाहते हैं इंडिया में वोडाफोन आइडिया जाए, क्यों? अगर जाता है फ्रेंड्स, बहुत सारा जो बैंक इनको जो लोन देकर बैठे हैं, इनका NPS पर्दाफाश हो जाएगा। और इंडिया में जो बैंक का बहुत बड़ा जो NPA जो कि आगे चलकर आ सकता है, तो ये सब को देखते हुए भारत सरकार नहीं चाहेंगे, जो गवर्नमेंट नहीं चाहेगा जो वोडाफोन आइडिया दुकान बंद करके भाग जाए उसका देश में। तो फ्रेंड ये कुछ था, बट आपके साथ साथ अगर आपको मैं ये बताऊँगा जे वोडाफोन आइडिया का जो न्यूज़ है, आप इधर जाकर देख सकते हो गूगल करके, आप बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और इकरा ने क्या बोले, जो रेटिंग एजेंसी इकरा, ये भी बोल रहा है गवर्नमेंट को जो स्टेक होल्डर लेना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो है उनका जो लॉस चल रहा है, इसको वोडाफोन आइडिया को मदद करना चाहिए। फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उसका ऊपर उसको मदद करना चाहिए, जो कि इकरा बोल रहा है फ्रेंड्स। इकरा जैसे जो कि रेटिंग एजेंसी कंपनी, ये भी बोल रहा है वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, यही सब न्यूज़ जो कि दौड़ रहा है मार्केट में, एंड ये तो कोई फाइनल न्यूज नहीं हुआ है, फिर भी शेयर में आज 15% का तेजी भी दिखाई दिया। तो ये तो था कुछ न्यूज़। हम लोग आगे चल के वोडाफोन आइडिया कल के लिए क्या होगा वो बनने से पहले, मैं आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल का एक झलक आप लोग के सामने लेकर आता हूँ, जो कि आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का दिन का मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ओनली फॉर आज का दिन का ही बता रहा हूँ आपको, ना कि मैं प्रीवियस डे के बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आज September 7 आप लोग के सामने है, जो कॉल दिया गया था, शानदार कॉल प्रोवाइड किया था, जो कि ऑप्शन का कॉल प्रोवाइड किया था मैंने। देखिए ये ऑप्शन का कॉल जो कि कैनफिन होम से ऊपर धमाकेदार हम लोग रिटर्न्स लिए, जो कि आप अगर देखे होंगे, अगर आप हमारा साथ में रहे होंगे तो इधर आप देख सकते हो। और भी मैंने दिया था इंट्राडे बेसिस में, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कॉल प्रोवाइड करता हूँ वो भी कितना जिद्दस बात है फ्रेंड्स। इधर देखिए और एक चीज़ जो कि इधर कैनफिन हॉल में 20,000 रुपीज़ हम लोग 2 लॉट अगर लिए होंगे, आप अगर 1 लॉट लेते तो 10,000 रुपया जो कि कमाते थे इंट्राडे में साथ ही साथ। और इधर निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन कॉल प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड, जो कि आप लोग को जिधर देखना चाहिए वही हिसाब से काम करना चाहिए फ्रेंड। बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, और साथ ही साथ आप लोग को भी पोजिशनल कॉल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन में भी। और देखिए बैंक निफ्टी का भी एक कॉल दिखाऊंगा आपके सामने। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कॉल प्रोवाइड किया था 160-165 में ट्रांग लेने के लिए बोला था, टारगेट 200-250-300-400 का टारगेट देता, साथ साथ SL भी मेंशन करता हूँ फ्रेंड्स, नया कि कोई यूट्यूबर जैसा, कोई की टेलीग्राम का जैसा, मैंने SL टारगेट नहीं देता हूँ, खाली आपको छोड़ देता हूँ इतना बाय करो बस, जैसा नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आप लोग कितना टारगेट 240 का देकर, जो कि 90% का तेज़ी 90 पॉइंट का तेज़ी के साथ हम लोग आज ये कॉल में भी काम किए हैं। अगर आप ऐसे ही काम चाहिए तो आ जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल में, बहुत ही फ्री में काम मिल रहा है आपको। और निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो तो आ जाइए, और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब कुछ आपको यही चैनल में मिल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप क्या करोगे, अगर हमारा सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, हमारा सपोर्ट ग्रुप में अभी और एक नया बोर्ड लेकर काम कर रहा है फ्रेंड्स, जो कि व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिधर कि आप लोग को उधर मैं जोड़ दूंगा। अगर आप आते हो तो आलाइस ब्लू, नहीं तो एंजल ब्रोकिंग, जीरो था, किधर भी आप न्यू एक डिमांड अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में लाइफ टाइम अपना व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो
ये कॉम्बो ऑफर में अगर फेस्ट काम करना चाहते हो बहुत शानदार है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमारा टीम बता देंगे क्या है ये ऑफर के बारे में। अगर आपका पास ऑलरेडी अकाउंट है, आप बोल रहे हो नहीं सर मेरा पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं वही अकाउंट में काम करना चाहता हूँ, मेरे को दूसरा अकाउंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है जो कि आपको हमारा चैनल में ही मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सी काम फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सअप कर देना है और आपको डिटेल्स हमारा टीम प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं वोडाफोन आइडिया का टारगेट की ओर। तो कॉल मार्केट में जैसे जो हिसाब से तेज़ी आज आया है, कॉल अगर मार्केट में 9.30 का ऊपर क्लोजिंग देता है वोडाफोन आइडिया तो धमाका हो जाएगा 10 रुपये का, जो कि इसका जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस, अगर 10 रुपये का रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अगर तोड़ना तो मुश्किल लग रहा है, अगर भी तोड़ दिया फ्रेंड्स तो ये अपना 52 के हाई का पास जाने के लिए बहुत ही ज़ोर से बेताब हो रहा है वोडाफोन आइडिया। बट ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है, कोई इसमें ऐसा गारंटी नहीं है, आपका पास है तो आप होल्ड करके रखिए, कुछ इशू नहीं फ्रेंड्स, होल्ड कीजिए और आपका जो बाइंग प्राइस आता है तो उसका ऊपर आप अगर नहीं रिस्क लेना चाहते हो तो सेल करके निकलिए, नहीं तो आपको 2 से 3 साल अगर रुकते हो शायद आप बड़ा पैसा कमा भी सकते हो ये शेयर के ऊपर। चलिए फ्रेंड ये था कुछ अपडेट आप लोग के सामने मैंने पेश किया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।